देखो कहाँ गया स्पीकर यार इसका, ये रहा। सो गाइज बेसिकली आज हमारे पास है फायरबोल्ट की फिनिक्स। इसका मैंने अनबॉक्सिंग ट्रिप डाउन रिव्यू किया था, वॉच अच्छी है गाइज बहुत ही, और बट यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं लोगों को अभी भी। तो लोग चाह रहे हैं कि इसका एक कनेक्टिविटी इशू वीडियो, या मतलब जो इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं उसका एक वीडियो चाहिए, तो आपके सामने लेके आया हूँ। अभी जो उसका प्राइस है देख लेना, वैसे 2000 रुपीज़ चल रहा है, बढ़ गया तो मेरे को नहीं पता, बट अभी 2000 रुपीज़ के प्राइस बैकग्राउंड में कॉलिंग फैसिलिटी वाली वॉच एक ही मिल रही है आपको अगर देखा जाए तो। और मैं लाइव आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं देखता हूँ एक बार। यस गाइस 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है, और इतने प्राइस ब्रैकेट में आपको और कोई वॉच नहीं मिल रही कॉलिंग फैसिलिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन ठीक है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कहूँगा, बट आपको अगर कॉलिंग फैसिलिटी वाली वॉच चाहिए, प्रीमियम बिल्ड मेटल की केसिंग चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर हो सकती है। स्टेनलेस स्टील की डायल मिलता है आपको डेडिकेटेड सेंसर के साथ, 20mm का स्ट्रैप साइज आफ्टर मार्केट का लगा सकते हो। इसको हम ऑन करते हैं और देखते हैं सारे के सारे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हुए कि नहीं, मतलब कैसे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो आप, और चेक करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या, जब आपको वॉच मिले, वॉच मिलते ही आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। कौन सी एप्लीकेशन आपकी इसमें लगेगी, दाफिट एप्लीकेशन, ठीक है। दाफिट एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको, इंटरफेस देख सकते हो, यू हैव नॉट लिंक्ड योर डिवाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ये रहा ओवरव्यू, तो यहाँ पे आउटडोर रनिंग स्लीप है, स्टेप्स है, और इन ऐप GPS भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। आउटडोर रनिंग में आप जाते हो तो यहाँ पे देख सकते हो यूज़र लोकेशन, यहाँ पे आपके फ़ोन का GPS यूज़ होगा, वॉच में GPS नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रहा डिवाइस पे जाना है, डिवाइस पे जाने के बाद यहाँ पे लिंक करना है आपके अपने डिवाइस को, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस है आपका, सर्कुलर वाला हम सर्च कर लेते हैं, ये रहा 049, ठीक है। तो गाइस बैटरी लो है एक्चुअली, तो ये कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कॉल वाला, तो उसको आपको अलाउ कर देना है। अगर ना आए, अगर नहीं आ रहा है, जैसे मेरे में नहीं आ रहा है, तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड थी पहले, इसीलिए नहीं आ रहा है। आपको करना क्या, रीसेट कर लेना एक बार वॉच को। ये यहाँ पे आपको फ्रेश पेयर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे फ्रेश पेयर करते हैं, और यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। 7% बैटरी थोड़ी सी लो है, वैसे कनेक्ट हो चुकी है देख लो। और यहाँ पे ऑडियो प्रोफाइल वाली ब्लूटूथ प्रोफाइल आ जानी चाहिए, वैसे अब तक नहीं आई है, थोड़ा सा वेट करिए आप। और बैटरी लो दिखा रहा है फिर से, यहाँ पे जाना है आपको ब्लूटूथ मेन्यू में, और यहाँ पे चेक करना है ऑडियो प्रोफाइल आई कि नहीं, तो फिलहाल नहीं आई है अभी हमारी। तो आपको वॉच में चेक कर लेना कि आपकी ऑडियो जो प्रोफाइल है वहाँ ऑफ तो नहीं है प्रॉपरली, ये रहा फ़ोन यहाँ पे ऑफ है ऑलरेडी, तो इसको आपको ऑन करना है। तो इसको हम ऑन करेंगे, वैसे ये अभी चार्ज कर लेते हैं, देन हम इसको ऑन करेंगे, अभी एक्चुअली ऑन नहीं होगी है, ठीक है। तो मैं चार्ज करके फिर लेके आता हूँ आपके पास वॉच। सो गाइस फाइनली यहाँ पे थोड़ी सी चार्ज हो चुकी है आपकी फिनिक्स, और हम इसको देखते हैं यहाँ पे जो चीज़ें रह रही थी, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे, जैसे कि कॉलिंग फीचर था जो कि रह रहा था, वर्क कैसे करता है कैसे नहीं करता, तो हमने ऐड कर ली थी वॉच इटसेल्फ। उसके बाद ऐड करने के बाद जो ऑप्शन था वो नहीं आ रहा था, तो वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी बैटरी परसेंटेज 30 है, और यहाँ पे आ जाना चाहिए वो ऑप्शन, देखो आ गया पेयर विद FB BSW 049। यहाँ पे पेयर करते आपका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, मतलब वो वाला कॉलिंग वाला, वो ऑन हो जाएगा। देखो ये चल गया आपका, आ गया। अब यहाँ पे आप कॉल भी मिला सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे रिसेंट में तो कुछ है नहीं, तो हम डायल करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और लाउडनेस आपको कितनी मिलती है, इतनी मिल जाती है। अब गाइस बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे जब, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या बोल रहे थे, ये इशू आता ही है बेसिकली। ये इशू क्या है कि जैसे कि सपोज़ मैं सॉन्ग चलाता हूँ इसमें, ठीक है, फ़ोन में कोई सॉन्ग चलाता हूँ, यूट्यूब पे अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वॉच में सब कुछ आएगा, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि वो इशू जाता नहीं है जल्दी और लोग परेशान होते रहते हैं, तो वो चेक करते हैं एक बार। ओके हो गया, तो NCS का कोई सॉन्ग को जाते हैं, देखो कहाँ गया स्पीकर यार इसका, ये रहा। तो इसको कैसे बंद करना है गाइस, इससे बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। करना क्या आपको, सिंपल सा ब्लूटूथ मेन्यू में जाना है, यहाँ पे जो फ़ोन वाली प्रोफाइल है यहाँ पे, ओके डिस्कनेक्ट हो गया एक्चुअली, मैंने बहुत जल्दी इसको कर दिया, ये रही। यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे ऑडियो प्रोफाइल ऑफ कर देनी है, दैट्स इट। आपका कॉल कनेक्टेड रहेगा, सब कुछ काम करेगा। देखो मैं कॉल मिला के दिखाता हूँ आप सभी को, यहाँ पे कॉल वॉल सब मिलेगी, कोई इशू नहीं होगा, बट आपको ऑडियो प्रोफाइल बंद कर देनी है, ताकि आपके सारे के सारे जो कॉल वॉल के मैसेजेस हैं, या मतलब कॉल की रिंगटोन भी सारी इसमें ना सुनाई दे, आपके फ़ोन में ही आए। ये देख सकते हो, अब आप
बजाओगे तो आपके फ़ोन में ही बजेगा ये, देखो इसमें बज रहा है, राइट। तो ये इशू तो रिजॉल्व हो गया आपका, है ना। अब गाइस चलते हैं एप्लीकेशन पे, हमारी दाफिट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस लेवल्स कर लेता हूँ, ब्राइटनेस लेवल्स थोड़े से कम लग रहे हैं मेरे को, शायद 400 निट्स की ब्राइटनेस है इस वॉच में, थोड़ी से कम लग रहे हैं, दैट्स इट, वरना तो कोई इशू नहीं है वैसे तो। ओके तो यहाँ पे इस तरीके से टॉगल मेन्यू भी इसका कमाल का मिलता है आपको, राइट। अब गाइस यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे रेस टू वेक जैसे कि लोग काम नहीं करता, तो मेरा तो रेस टू वेक प्रॉपरली काम कर रहा है, देख लो यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको ऑफ रखनी है, थिएटर मोड और ब्राइटनेस, ये मतलब पावर सेवर इसको ऑफ करना है, देन ओनली आपका ये रेस टू वेक काम करेगा। वॉच फेसेस, यस, अगर वॉच फेस नहीं लगते हैं आपसे तो इशू आ रहा है आपको, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली तुरंत चेंज कर सकते हो इस तरीके से। बट यहाँ पे अपनी पिक को भी एज अ वॉच फेस लगा सकते हो, एडिट में जाते हो तो, वन सेकेंड हीरा, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे जौन सा आपको लगाना है, कहाँ गया गाइस, हीरा, राइट। और हम यहाँ से यस कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि टाइम ऊपर को है, तो टाइम हमको यहाँ पे टाइम पोजीशन नीचे को करनी है, बिलो करनी है, तो ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे नीचे को आ जाएगी, सेव कर दीजिए आप, बैटरी इज़ टू लो, ओके, बैटरी लो है इसलिए नहीं हो पा रही है, क्योंकि बैटरी इसमें कम है, 50% तक होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तब होगा। वैसे यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, आप लगा सकते हो। फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, अप टू 8 कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर पाओगे, ऐड करने के बाद आपको सिंक्रोनाइज करना है, दैट्स इट, वॉच में आपके आ जाएंगे। और साथ ही में अलार्म, यस, अलार्म आपको वॉच में नहीं लगेगा, इसमें एप्लीकेशन में लगाओगे तो आपकी वॉच में शो कर देगा, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे अलार्म कहाँ पे है, थोड़ा सा गाइस इसमें मेरे को दिक्कत हो जाती है एक्चुअली, तो अलार्म आप ढूंढ लेना गाइस, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है। अदर्स में चलते हैं, तो यहाँ पे अदर्स में आपको फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, इसमें फाइंड माई फोन का ऑप्शन नहीं मिलता, फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, दैट्स इट। देखो इवन रिंगटोन भी बज रही है फाइंड डिवाइस में, रिंगटोन का मैं सीन दिखाता हूँ आपको अभी, जैसे कि जब कॉल आएगी तो रिंगटोन कैसी बजेगी वो भी बात कर लेंगे हम। पावर सेविंग कम मोड मिल जाता है यहाँ पे, ऑटो लॉक बहुत जल्दी हो रहा है, अब अगर मैं 30 सेकंड कर देता हूँ तो यहाँ पे जल्दी ऑफ नहीं होगा, राइट। क्विक व्यू का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे वेदर तो दिखा ही रहा है आपका, ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉपरली, और यहाँ पे फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अब गाइस जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसमें AI वॉइस असिस्टेंट कैसे काम करता है, और साथ में पावर सेवर आई गेस मैंने ऑन कर दिया, इसमें थिएटर मोड ऑन कर दिया था, तो यहाँ पे AI वॉइस कैसे काम करता है, AI वॉइस किस में है, सेटिंग में चलते हैं एक बार देखते हैं, तो इसमें भी AI वॉइस का ऑप्शन नहीं है। और AI वॉइस कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा फिर शॉर्टकट में, अगर नहीं मिल रहा है आपको तो ये रहा। कैन यू प्ले मी अ सॉन्ग, तो सॉन्ग भी प्ले कर देता है, राइट, यूट्यूब पे सॉन्ग प्ले कर देगा। बट बात ये है कि अब आपके वॉच में नहीं आएगा ये, मतलब आपका ये इवन AI वॉइस वाला भी काम नहीं करेगा, मतलब काम करेगा इन द फोन इटसेल्फ, क्यों, क्योंकि आपने सेटिंग में इसकी ऑडियो वाला प्रोफाइल ऑफ कर दिया है, इसी वजह से, वन सेकेंड, ये रहा ऑडियो वाला ऑफ कर रखा है, तो अगर आप ऑडियो वाला ऑफ कर दोगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी, बट आप ऑडियो वाला ऑन करोगे तो आ जाएगी। अब कैसे काम करते हैं, कॉल में ला के देखते हैं, कॉल पे क्या मतलब रिंगटोन बजती है कि नहीं बजती, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन तो मतलब मेरे ख्याल से दिया नहीं गया है कि रिंगटोन ही आप लगाओ यहाँ पे या कुछ अलग से, देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया मेरे ख्याल से, वाइब्रेशन बस दिया रखा है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप रिंगटोन प्लस वाइब्रेशन या वाइब्रेशन या म्यूट का ऑप्शन नहीं दिया गया जो अदर वॉचेस में दिया जाता है, जैसे कि बीम कॉलिंग में या आपका जो वंडर में दिया गया है, तो हम चेक करते हैं एक बार। तो मैं कॉल मिलाता हूँ यहाँ पे, मैंने मिला दिया कॉल, तो यहाँ पे रिंगटोन बज रही है देखो, तो यही वाली रिंगटोन बजेगी बाय डिफॉल्ट, इसमें कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे उठा सकते हो, कट कर सकते हो, कट करते हो तो यहाँ पे कट हो जाता है डायरेक्टली, और उठाना चाहो तो उठा सकते हो, इवन ट्रांसफ़र भी कर सकते हो कॉल, मैं दिखा देता हूँ एक बार आप सभी को, ट्रांसफ़र भी कर सकते हो आप कॉल, ये उठा के, ये रहा ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल चीज़ें मिल जाती हैं इस वॉच में। तो गाइस ये था मेरा एक कह सकते हो कनेक्शन इशू रिजॉल्व करने वाला वीडियो, और अगर आपका क्वेरी इस वॉच के रिगार्डिंग जो कि हमारी फायरबोल्ट की फिनिक्स रहता है, तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।